ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेनें आज सुबह से विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास ओवरहेड वायर टूट जाने से लोकल ट्रेनें ठप हो गई थी। सुबह सुबह ऑफिस जाने के वक्त ही ओवरहेड वायर टूटने से यात्रियों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ओवरहेड वायर टूटने से यात्रियों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई। सुबह का समय था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। वायर टूटने से ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से ठप हो गया था। ऐसे में यात्रियों ने कहा कि हर रोज़ का नाटक बन गया है, कभी वायर टूट गया है तो कभी सिग्नल में गड़बड़ी है, और हर रविवार को ना जाने क्या मरम्मत कार्य करते हैं कि जो हमेशा कुछ ना कुछ खराबी होते रहती है। फिलहाल मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेनें पूरी तरह से ठप हो गई थी। अरे आम्ही 8:30 दरम्यान इथून निघलो होतो, तर आमचा पेपर होता तलाठी भरतीचा बँड्राला, तर विठ्ठलवाडी आणि याच्या कल्याणच्या मध्ये आमची ट्रेन बंद पडली, त्यांचे पॅंडल तुटून पडलेले होते। त्याचप्रमाणे आम्ही तिथं आम्ही प्रशासनाला आता एकच विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर याचे हे करून जाऊन सेवा चालू करावी। तर विठ्ठलवाडी कल्याणच्या मध्ये अचानक वायब्रेट झालं गाडीच्या आतमध्ये, तर खूप जण जसे घाबरले काय झालं काय झालं, पण वरून माहिती पडलं की पेंटाग्राम तुटला म्हणून तिन्हीचे तिन्ही। इतकं जोरात झालं, लाईट फॅन सगळे बंद झाले, आणि त्याच्यातच गेटवरती दोन जण उभे होते, त्यांच्या पायाला अचानक असा मार लागला, मुक्का मार, आणि त्यांचे फोन पण होते हातामध्ये, ते फोन पण फुटून गेले, एकदम डायरेक्ट फुटूनच हे झालं, ग्लास वगैरे सगळं फुटलं। इसी दौरान दो महिलाओं की घायल होने की खबर भी सामने आई है। डॉक्टर रुचिका और एक बैंक में काम करने वाली महिला निशा कुलकर्णी घायल हो गई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो वहीं यात्री वायर टूटने की वजह से रेलवे पटरी पर पैदल चलते हुए नजर आए। ओवरहेड वायर टूटने की घटना सुबह 8:10 पर कल्याण और विठ्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ है। बहरहाल ओवरहेड वायर का मरम्मत किया जा रहा है और धीरे धीरे रेल सेवा भी शुरू की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।